दोस्तों आप सभी के बोर्ड परीक्षा में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और जैसे जैसे आप सभी का एग्जाम नजदीक आ रहा होगा, आप सभी के अंदर जो एग्जाम को लेकर के डर है वो बढ़ रहा होगा कि यार मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम मेरा अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे और खास करके जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होगी उनके मन में तो और ज्यादा डर होगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिसकी हेल्प से आप एग्जाम में आसानी से 90% लेकर के आओगे। चाहे आपकी तैयारी अच्छी हो या खराब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसी कौन सी ट्रिक है जो हमें आसानी से एग्जाम में 90% दिलवा सकती है। तो आज मैं आप सभी को पेपर अटेम्प्ट करने की ट्रिक बताऊंगा कि आपको एग्जाम में पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको अपने पेपर को लिखना कैसे है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मात खाते हैं। दोस्तों अगर आपने अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया, पेपर में आपने अच्छे से आंसर को लिख दिया दोस्तों, तो आप बहुत ही अच्छा परसेंटेज बना सकते हो एग्जाम में। और देखिए पेपर अटेम्प्ट करने की ट्रिक में तीन चीज कवर हो जाएगी। सबसे पहला तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम पर पेपर कैसे खत्म करें। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा कि वो 3 घंटे के अंदर पेपर नहीं खत्म कर पाते, उनके बहुत सारे क्वेश्चन बचे रहते हैं, उनका टाइम खत्म हो जाता है, जिस वजह से उनको अच्छा खासा मार्क्स का नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है ताकि आप 3 घंटे के अंदर अपने पेपर को कंप्लीट कर पाओ। दूसरी चीज आपको मैं बताऊंगा कि आपको अपने आंसर को कैसे लिखना है, किस तरह से आपको अपने आंसर को लिखना है ताकि आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स मिल सके। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको जरा भी नहीं आ रहा है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको किस तरह से आंसर लिखना है। आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिक दूंगा जो क्वेश्चन आपको जरा भी नहीं आ रहा ना, उसमें भी आप फुल मार्क्स लेकर के आओगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन जरा भी नहीं आ रहा होगा उसमें भी आप एग्जाम फुल मार्क्स लेकर के आओगे। तो आइए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले तो आपको पूरे क्वेश्चन पेपर की अच्छे से रीडिंग मारनी है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और ये तय करना है कि मुझे कौन से सेक्शन से कौन से क्वेश्चन से शुरुआत करनी है। और आप जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखो दोस्तों, आपको उसमें वर्ड लिमिट्स के बाहर नहीं जाना है। वर्ड लिमिट्स एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से बच्चे टाइम पर पेपर खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ओवर लिमिट लिखने लग जाते हैं, जितना बोला गया उससे बढ़ चढ़कर आंसर लिखने लग जाते हैं, जिसका खामियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ता है जब उनके पास टाइम खत्म हो जाती है और क्वेश्चन बहुत सारे बचे रहते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है दोस्तों, आपको जितने वर्ड्स में बोला गया आपको उतने ही वर्ड्स में आंसर लिखना है। और एग्जाम में आपको एक घड़ी पहनकर जाना है जिससे आप देखते रहो कि मेरे पास कितना समय बचा हुआ है। तो अगर आप सही से क्वेश्चन को लिखोगे, वर्ड लिमिट्स के बाहर नहीं जाओगे, तो आप निश्चित ही समय पर पेपर कंप्लीट कर पाओगे और आपको एग्जाम में थोड़ा तेज लिखना है दोस्तों। दूसरी चीज, जब भी आप एग्जाम में कोई भी आंसर को लिखो तो आपको एकदम फ्रेश लिखना है ताकि जो सामने वाला जो कॉपी चेक करेगा वो आपके आंसर को अच्छे से पढ़ पाए। अगर सपोज दैट वो आपके आंसर को ही नहीं पढ़ पा रहा है, आपने क्या लिखा उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो क्या वो आपको अच्छे मार्क्स देगा? वो कभी भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि जब तक उसको समझ में नहीं आएगा आपकी हैंडराइटिंग, आपकी लिखावट, तब तक वो आपको कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं देगा। इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो भी आप लिख रहे हो, जो भी मैं लिखूं, उसको मैं अच्छे से लिखूं, अच्छे से प्रेजेंट करूं। और ये आपको ज्यादा देर तक नहीं करना है, ये आपको शुरुआती 5 पेज 10 पेज तक करना है दोस्तों। अगर आपने शुरुआती 5 पेज 10 पेज अच्छे से लिख दिया तो आपको निश्चित ही एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स मिलेगा। और तीसरी चीज, जो क्वेश्चन आपको जरा भी नहीं आ रहा उसमें आपको क्या करना है, देखिए उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को 1 से 2 से 3 बार आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। और देखना जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ वर्ड कीवर्ड जरूर क्लिक होगा। तो जो आपके दिमाग में वर्ड आए कीवर्ड आए आपको उसी को चिपका देना है, उसी को लिखते चलना है, आपको रुकना नहीं है। और जो भी आंसर आप लिखो दोस्तों उसको आपको अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। तो आपको बस कीवर्ड पकड़ना है और जो भी कीवर्ड पकड़ो उसके उसी के अंतर्गत आपको आंसर को लिखते चलना है और आपको अपनी हैंडराइटिंग को अच्छी रखनी है दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको एग्जाम देते वक्त ध्यान में रखनी थी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।